नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। काबुल के विदेशी गेस्ट हाउस पर विस्फोटकों से लदे ट्रक का हमला, मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर, गोलीबारी में 1 पुलिसकर्मी की भी मौत, तालिबान ने ली हमले की जिम्मेदारी। आतंकी हाफिज सईद ने किया गृहमंत्री राजनाथ सिंह के पाक दौरे का विरोध, पाकिस्तानी सरकार से कहा रद्द करो दौरा, 3 और 4 अगस्त को सार्क सम्मेलन में भाग लेने के लिए इस्लामाबाद जाएंगे राजनाथ सिंह। चीन ने किया परमाणु अप्रसार संधि का उल्लंघन, टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर का खुलासा, एनएसजी और एनपीटी को ताक पर रखकर चीन ने पाक को दिए परमाणु रिएक्टर्स। फ्रांस के चर्च में हुए हमले पर ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का बयान, कहा इस्लाम को हिंसा से जोड़ना गलत, सामाजिक अन्याय आतंकवाद का है कारण। अमेरिका में 42 साल के स्काई डाइवर ल्यूक एकिंस ने रचा इतिहास, 25,000 फीट से बिना पैराशूट के लगाई छलांग, 126 सेकंड में विशालकाय नेट के सहारे उतरे जमीन पर। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें, देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।